All my respected viewers, all my subscribers, and all my brothers and sisters, इंजीनियर एस के समेले योगा गुरु हिप्नोटिस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज आप सबके सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास दिन भर जो सैकड़ों लोगों के फोन कॉल्स आते हैं, मैक्सिमम लोग उसमें से बोलते हैं कि गुरुजी हमें अपना पास्ट लाइफ देखना है। इस टाइप के जो मैटर हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे उसमें आते हैं, कॉल्स के रूप में या व्हाट्सएप के मैसेज के रूप में बहुत सारे लोग हमसे संपर्क करते हैं। अभी हमने लेटेस्ट जो है, लंबे समय के बाद हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है। इस वीडियो में आप देखेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन अब ये मान के चलिए हमने फिर से प्रारंभ कर दिया है। लेकिन स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जो भी पास्ट लाइफ आप उसमें देखते हैं वो कहां तक एकदम सत्य है, उसकी सत्यता की पुष्टि जब तक नहीं हो जाती है तब तक हम उसको एकदम ट्रुथ नहीं कह सकते हैं। दूसरा, सारे लोग पास्ट लाइफ में नहीं जाते हैं, ये लोग बताते नहीं हैं। मैं हिप्नोटिज्म का प्लस पक्ष, माइनस पक्ष, उसके माइनस ड्रॉबैक क्या है, उसमें क्या क्या उसका डार्क पक्ष है, वो भी मैं आपके सामने हमेशा रखता हूँ। तो उस नाते मैं बता दूँ आपसे कि सारे लोग जो है पास्ट लाइफ में नहीं जाते हैं। लगभग ये मान के चलिए आप कि 40-50% लोग हैं जो केवल पास्ट लाइफ में चले जाते हैं। तो इसलिए सारे लोग गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि जितने लोग आएंगे वो सारे लोग पास्ट लाइफ में चले जाएंगे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं रहती है। हाँ, लेकिन 100 में से लगभग 50% लोग जो है वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में चले जाते हैं। तो पास्ट लाइफ देखने के लिए कई लोग पिछले जन्म के इशू है, इस जन्म से कोरिलेट करते हैं, इस जन्म में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारी, एक बीमारी खत्म हुई दूसरी फिर चालू हुई, एक समस्या खत्म हुई दूसरी फिर चालू हुई, बहुत एक तांता लगा रहता परेशानियों का, तो कई लोग उससे कोरिलेट करते हैं। तो पास्ट लाइफ का ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। और एक दूसरी चीज़ एक बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मैग्नेटिज्म कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? आदिकाल से दीक्षा का जो पैटर्न हमारे यहाँ आया है वो हम गुरु के समक्ष जाके ही दीक्षा लेते थे। तो इसमें मंत्रों की दीक्षा शक्तिपात के माध्यम से मंत्र दीक्षा होती है, इनिशिएशन होता है, और इनिशिएशन कभी फोन कॉल से वीडियो कॉल से संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये मेरे निजी विचार हैं। अब मैं किसी भी तरह पैसों के लालच में आके, रुपयों के लोभ में आकर के, और मैं अनाउंसमेंट कर दूं कल से आइए ऑनलाइन में मैग्नेटिज्म सिखाने वाला हूं, तो ये हम गलत बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। और कभी भी किसी आदमी को अंधेरे में हम बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हर चीज़ होनी चाहिए, ये हमारा वर्किंग का पैटर्न है। तो ये मेरे निजी विचार हैं कि कभी भी मैग्नेटिज्म है ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। आपको सामने, भले ही मैं जीवन में केवल 10 लोगों को सिखाऊं, भले ही जीवन में 20 लोगों को हम सिखाएं, लेकिन सॉलिड सिखाएंगे, सामने दीक्षा देंगे, आपको अपने सामने बिठा के और इनिशिएशन करके मंत्रों की इंस्टॉलिंग करेंगे। तो ये वीडियो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अंत में मोटिवेशनल शायरी के लिए, जैसा कि हम अपने हर वीडियो में यूज करते हैं, कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शम्मा परवाने को जलना सिखाती है, जो लोग गिरते हैं उन्हें जरूर लगती है ठोकर, जो लोग गिरते हैं उन्हें लगती है जरूर ठोकर, लेकिन ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। या आप वाकई में ही दिल से सीखना चाहते हो और अपना पैसा खराब नहीं करना चाहते, कहीं ये अच्छी जगह पे लगाना चाहते हो, तो आप एसके संबेले जी से संपर्क करें। गुरुजी एसके संबेले जी जो के पन्ना से है, मध्य प्रदेश से, उनसे संपर्क करें। वो एक बहुत ही अच्छे हिप्नोटिस्ट है, और इसके अलावा वो एक योग गुरु भी है, और उनके पास मेडिटेशन की भी कई विधियां हैं, और अभी वो एक कोर्स और भी करवा रहे हैं जिसका नाम मैग्नेटिज्म है। तो उन्होंने मुझसे
मेरे बारे में पता किया और मुझसे पूछा कि तुम मेडिटेशन करते हो, मैंने कहा जी। तो उन्होंने पूछा त्राटक कितना करते हो, मैंने कहा त्राटक बहुत कम है मेरा। तो उन्होंने पहली बात ये कही कि पहले 30 दिन का त्राटक करके आओ, फिर हम तुम्हें सिखाएंगे। और दूसरों में और इनमें यही मुझे फ़र्क लगा कि दूसरे कहते थे फीस भेजो, मैं तुम्हें अभी सिखा दूंगा 2 दिन में, और ये बोले पहले 30 दिन का त्राटक करके आओ फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अभी दूसरों में और गुरु एस के सम्मेले जी में क्या फ़र्क है, इसे खुलकर बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद समझदार हो, आप खुद ही समझ जाओगे कि एक अच्छे गुरु में और आम लोगों में क्या फ़र्क होता है। वो फ़र्क मैंने देखा और फिर मैंने 30 दिन का त्राटक किया। 30 दिन के त्राटक के बाद गुरु जी को फ़ोन लगाया तो फिर गुरु जी ने मुझे कहा कि अब तुम हिप्नोटिज्म में आओ, हमारी क्लासेस लगाओ और हम तुम्हें सिखाएंगे। और जो मैंने सीखा वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहले मुझे 30 या 40 मिनट लगते थे मेडिटेशन में बैठकर ध्यान में बैठकर के अगर कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ना होता था, लेकिन अब 20 या 30 सेकंड में ध्यान में बैठता हूँ और कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो जाता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। और मैं आप सभी लोगों को भी यही कहूँगा कि अगर आपको कोई अच्छा गुरु चाहिए, मेडिटेशन के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ बताया है और उसके अलावा योग आसन भी काफ़ी बताए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल में कोई और हिप्नोटिस्ट होता वो इतने नहीं बता सकता, वो सिर्फ थ्योरी की बात करते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं पिछले 2 साल से हिप्नोटिज्म को सीखना चाहता था और किसी ना किसी से कनेक्ट करता रहता था। और मेरा आखिरी सवाल जो होता था ना, वो ये था कि ये जो हिप्नोटिज्म है ये एक एनर्जी से होता है या किसी टेक्निक से होता है। तो ये जो दिल्ली और मुंबई में बैठे हैं, जो यूट्यूब चैनल पे बैठे हैं, तो उनका एक जवाब होता था कि ये एक टेक्निक है। ये मेरे मन को फिट नहीं बैठती थी ये बात, क्योंकि मैंने ओशो जी के कई ध्यान किया है और श्री श्री रवि शंकरा जी के किया है और मैंने विपश्यना का ध्यान भी किया है जो कि 11 दिनों का होता है धम्मा दाजा में। तो मेरे ख्याल में तो ये होता था कि हम एक पूरी दुनिया में एक एनर्जी और हम में भी एनर्जी है, जो कुछ हो रहा है एनर्जी के साथ हो रहा है। तो ऐसे में जब मैंने गुरुजी से पहली दफ़ा फ़ोन पे बात की तो उनसे मैं पहला क्वेश्चन ही ये पुट किया था कि गुरुजी ये जो आप हिप्नोटिज्म कराते हैं ये एनर्जी से होता है या टेक्निक से होता है। तो वो बोले ये तो 100% एनर्जी है। नमस्कार, मेरा नाम बिरेंद्र सिंह है और मैं आज आपके साथ हिप्नोटिज्म के कोर्स का अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मैंने गुरु एस के संबेले जी, जो कि पन्ना से, उनसे सीखा है ऑनलाइन क्लासेस में। उन्हें आज के समय में इंटरनेशनल हिप्नोटिस्ट भी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिप्नोटिज्म के अलावा वो मेडिटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और योगा के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, जहाँ तक कि उन्हें तो योग गुरु भी कहा जाता है, अब आज भी कहा जाता है, क्योंकि पहले वो सिर्फ योगा आसन ही सिखाया करते थे। मेरा अनुभव उनके साथ 7 दिन का ये रहा है कि पहले जब मैं मेडिटेशन में बैठता था तो 30 या 40 मिनट लगते थे मुझे कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। अभी 7 दिन की क्लासेस में उन्होंने जो हमें थ्योरी भी सिखाई और प्रैक्टिकल भी काफ़ी सिखाए हैं, तो अब मैं मुश्किल से 20 या 30 सेकंड लगते हैं मुझे कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो क्योंकि कहीं आधा घंटा या 40 मिनट लगते थे, अभी 20 या 30 सेकंड में मैं कॉस्मिक एनर्जी से खुद को जोड़ लेता हूँ। और मैंने गुरुजी इंजीनियर एस के संबेले जी से हिप्नोटिज्म का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है, जैसे कि थ्योरी और प्रैक्टिकल। पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद इसे सीखने के लिए मुझे कई वर्ष लगेंगे, लेकिन उन्होंने सहज अवस्था में मुझे ये सिर्फ 7 दिन में सिखा दिया। और उनका एक प्लस पॉइंट और भी है जो कि मुझे और मेरे ग्रुप के मेम्बरों को सभी को बहुत अच्छा लगा कि जब तक किसी भी व्यक्ति को कोई भी बात समझ ना आए
वो आगे नहीं बढ़ते, वो पहले उस बात को पूरी तरह से आपके दिमाग में आपके मन में डालते हैं और आपको पूरी तरह से सिखाते हैं। जब ग्रुप के सभी मेंबरों को वो बात पूरी तरह से समझ आ जाती है फिर वो आगे बढ़ते हैं, ये उनका प्लस पॉइंट है। और ज्यादा कंधे का टच और बॉडी का मूवमेंट, आप और ज्यादा डीप डीप और रिलैक्स रिलैक्स, एकदम शांत की तरंगे आपकी होती जा रही है। और उस कोहरे को क्रॉस करते हुए बॉडी का मूवमेंट, हर सांस आपको हजार गुना ज्यादा पूरी बॉडी में इमेजिन करो कि रिलैक्सेशन फैलता जा रहा, ये बॉडी मूव हो रही है, आप और ज्यादा डीप रिलैक्स डीप रिलैक्स डीप रिलैक्स। 3 2 1 यू हैव क्रॉस द फॉग एंड 1 is 0 डीप थ्री। अब आप पूरी तरह से वहां के सीन को आपने मन क्रिएट कर लिया विजुअलाइजेशन के रूप में, यू आर फीलिंग वेरी वेल, सुपर फीलिंग, मेरी आवाज भी सुन सकते हैं और गुफा के उस पार वो इस संसार के अंतरिक्ष के ऊपर है क्या, ये सब कहां पर है, ये जो सौर मंडल है अपना इससे ऊपर है क्या, ब्रह्मलोक है, वाह नाइस। ब्रह्मलोक में अब आप बता सकते हैं आपके अंदर वो पावर, कॉस्मिक पावर दे रहा हूँ, आप ब्रह्मलोक का वर्णन कर सकते हैं। ये देखिए वहां न तदभास्ते सूर्यो न शशांको न पाप का, न यहाँ सूर्य हजारों सूर्य से भी ऊपर और न चंद्रमा न आग न कुछ है, उससे ऊपर वो एक लोक है जो ब्रह्मानंद जी ने वर्णन किया, यस उस लोक का वर्णन कर सकते हैं। 5 वो ब्रह्मलोक आज हम जानना चाहते हैं। 4 किस कलर का वो ब्रह्मलोक है। 3 2 1 जैसे मैं हाथ रखता हूँ आप वो ब्रह्मलोक की बात पूरी तरह से आप बता सकते हो, एस यू कैन आइडेंटिफाई वो ब्रह्मलोक में क्या है उसका वर्णन कीजिए आप। व्हाट इज दैट ब्रह्मलोक, उसमें क्या है ब्रह्मलोक में क्या है, ब्रह्मलोक में क्या है, और कमल का फूल, अद्भुत, दैट इज द सृष्टि का उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, नाभि कमल, अद्भुत अद्भुत, ओ वो कमल है, जो वो कमल कहां पर है, वो कहां स्थित दिख रहा है, एकदम बीचों बीच है कमल के चारों ओर, नीचे पंखुड़ियां लटक रही हैं। अच्छा उस समय उत्पत्ति बताओ, वो कमल ब्रह्मा जी के पास या विष्णु जी के, सृष्टि ब्रह्मा जी उस पर बैठे हैं कमल के ऊपर, सृष्टि की उत्पत्ति बताओ, सृष्टि की उत्पत्ति कहां से हुई थी, ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठे हैं, वेरी नाइस फर्स्ट क्लास, और उनके आसपास कौन है ब्रह्मा जी के पास, विष्णु है, वाह अद्भुत, विष्णु भगवान का रूप बताओ, कैसे कपड़े पहने हैं, किस तरह का वर्ण है, कैसा है भगवान विष्णु का, लेटे हुए हैं, अद्भुत भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, तो वो कहां पर लेटे हैं, क्षीर सागर में या शेष नाग पे, शेष नाग के ऊपर लेटे हुए हैं, सृष्टि के आदि का सीन है मेरा, सृष्टि के आदि का, इन द बिगिनिंग ऑफ द सृष्टि, जब मैं घबरा गया ये सब के ऊपर चले जाना, सब ये बाद में आया, इन द बिगिनिंग वाज द विष्णु एंड ब्रह्मा, और वो कमल नाभि कमल से जो उत्पन्न होता है, दैट इज द सीन अद्भुत। और भगवान विष्णु के साथ में और कोई है क्या, अकेले है, माता लक्ष्मी है, अद्भुत, माता लक्ष्मी क्या कर रही है, क्या कर रही है, चरण दबा रही है, वाह 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 सुपर सुपर, और ब्रह्मा जी हैं, वाह सुपर सुपर। उस समय वो केवल दो ही सत्ताएं थी कि और कुछ, देखो यस 3 2 1 0 और भी कुछ था क्या उनके अलावा, दोनों के अलावा, ब्रह्मा और विष्णु के अलावा, ब्रह्मा विष्णु के अलावा, ब्रह्मा और विष्णु के अलावा था क्या कुछ उस समय, ऊर्जाएं दिख रही है, किस टाइप की ऊर्जाएं हैं, यस यू कैन आइडेंटिफाई, किस तरह की ऊर्जाएं हैं वो, कलर बताओ ऊर्जाओं का, कैसी ऊर्जाएं हैं, ऊर्जाएं कैसी है वो, गोल्डन टाइप की ऊर्जाएं, अद्भुत, दिस इज द सीन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ दिस क्रिएशन, सृष्टि के आदि का, वाह सुपर, ब्रह्मा जी और विष्णु कमल उधर पे, आप वहां पे क्या कर रहे थे उनके पास, ब्रह्मा विष्णु जी के पास आप क्या कर रहे थे, पार्षद
आप वहां पर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी उनके दरबार के आप वहां पर क्या हो, जो पार्षद है भगवान के, पार्षद माने उनके जो मेन होते हैं, जो पार्षद बोलते हैं भगवान के, द्वारपाल जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाह 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 वाह। और आपके अलावा और कौन है वहां पर पार्षद, और कौन है आपके अलावा वहां पर भगवान के आपके पार्षद, कोई नहीं दिख रहा। आप विष्णु भगवान के यहाँ है कि ब्रह्मा जी के यहाँ पर है पार्षद, किन क्या हो, विष्णु भगवान के पार्षद है, विष्णु भगवान के पार्षद, बहुत बड़ी बात है, क्या बात है, क्या बात है। उसके बाद फिर आपने, उसके बाद फिर पृथ्वी लोक में क्यों आए थे, फिर वहां से क्यों आए थे, किसकी आज्ञा से, किस कारण से आपको पृथ्वी लोक में आना पड़ा, पृथ्वी लोक में आपको किस कारण आना पड़ा, पृथ्वी नहीं मालूम है, मालूम नहीं है किस क्यों आना पड़ा इस धरती पर, पार्षद भगवान के यहां होना बड़ी बात है, ये तो बहुत पुरानी बात होगी। उसके बाद आपके और आपको जन्म मालूम है क्या, पार्षद के बाद के, पार्षद के बाद के जन्म पता है क्या, हो जोर से बोलो, जोर से बोलो, पशु पक्षी क्या है, पशु पक्षी बने थे आप, ओ क्यों बनना पड़ा, यस आप बता सकते हो, 3, 2, 1, आप जो है पार्षद के बाद फिर पशु पक्षी क्यों बने, क्या गलती हुई आपसे, यस यू कैन आई बता सकते हो, पशु पक्षी क्यों बनना पड़ा था, यस पशु पक्षी क्यों बनना पड़ा था पार्षद के बाद, क्यों बनना पड़ा था पशु पक्षी, क्यों बनना पड़ा था, नहीं बता रहे हैं। ओ पशु पक्षी के बाद फिर आपका, उसके बाद फिर क्या हुआ, पशु पक्षी के बाद फिर क्या बने थे, मैं रोया, क्या हुए, जोर से बोलो, रोए, क्यों रोए थे आप, अरदास करी थी, किससे की थी अरदास, भगवान श्री हरि से, वाह जय हो प्रभु, क्या क्या अरदास करी थी आपने, सही समय दो, क्या दो, सही समय दो, आप वहां रोने लगे थे भगवान के पास, हाँ। आप रोने लगे थे और फिर भगवान से प्रार्थना की कि मुझे सही समय दो, बहुत सुंदर, फिर भगवान ने क्या किया, फिर आपके साथ दोबारा मौका दिया, वाह, तो क्या बनाया फिर, उसके बाद क्या बने आप, मनुष्य बने, दोबारा मौका दिया, ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, फिर कहाँ जन्म लिया भगवान ने मौका दिया तो, पृथ्वी पर स्थान का नाम, कौन से स्थान पर जन्म लिया था फिर कौन से स्थान पर जन्म लिया था, क्या है, ताले सब बंद हैं, कहां के ताले बंद हैं, ताले कहां के बंद हैं, कहां के ताले बंद हैं, कहां के ताले बंद हैं, मेमोरी के सारे ताले बंद हैं, वो वहां